Hi everyone. Hope you all keeping safe and staying home. ये फोन के अंजाम हुई ना लॉकडाउन वहाँ तो उना लॉकडाउन डे वन फोन के आरंभ हुई क्या ना आ तो वही होयदा मुयदा भले बता लेता चला ना ले होयदा हेलो नमस्कार, आप सभी को जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली थी हमारे मिस्टर सेलेन टुडू जी के बारे में, जो कि इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर हैं। जी हाँ, कि वो कैसे छोटे से गांव से निकले थे और कैसे उन्होंने इतना बड़ा सफ़र तय किया। इंग्लैंड में हार्टफ्री कॉलेज में उन्होंने अपनी एडुकेशन जो स्पोर्ट्स का था उन्होंने कंप्लीट किया। काफ़ी कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया है, काफ़ी कुछ हमें उनके बारे में जानकारी मिली थी। और गाइस, पिछले वीडियो में हमने उनके बारे में कुछ बातें कही थी कि हमें, जैसे कि हमारे क्रिकेटर MS धोनी जी के बारे में एक बायोपिक बनी हुई है, मैरी कॉम जी के बारे में बायोपिक बनी है, भाग मिल्खा भाग के बारे में भी बायोपिक बनी हुई है। उसी प्रकार हमने एक मांग की थी और लोगों से पूछा था कि क्या हमारे मिस्टर सेलेन टुडू जी के बारे में भी एक बायोपिक बनना चाहिए, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपना कमाल दिखाया है रग्बी में। अब काफ़ी कोई बोलेंगे कि रग्बी तो नेशनल गेम नहीं है, इसलिए उसको उतनी इज्जत नहीं दी जा रही है इंडिया में। लेकिन आपको बता दें, क्रिकेट भी नेशनल गेम नहीं है, बॉक्सिंग भी नेशनल गेम नहीं है, फिर काफ़ी कुछ नहीं है जिनका बायोपिक बना हुआ है। तो हमारा भी ये मांग है कि अगर MS धोनी जी का बायोपिक बन सकता है, मैरी कॉम जी का बायोपिक बन सकता है, तो हमारे मिस्टर सेलेन टुडू जी का बायोपिक क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे इंडिया के लिए, काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल मैचेस खेले हैं और इंडिया को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि बनना चाहिए, लेकिन ऐसे तो बन नहीं जाएगा, इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। हम आप सब तो यही कर सकते हैं कि हमारी जो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि काफ़ी लोगों को ये बात पता चले। क्योंकि ये बातें जो है ना, उठाने वाला नेशनल टीवी में तो आप छोड़ दीजिए, नेशनल टीवी में तो इस सब का इतना जिक्र नहीं होता है। और नेशनल टीवी आप जानते हैं कि क्या क्या लोग दिखाते हैं, कौन से सेलिब्रिटी के बच्चा ने क्या किया, आज सेलिब्रिटी ने क्या पहना क्या नहीं पहना, ये सब दिखाने में व्यस्त रहते हैं हमारे नेशनल टीवी वाले। तो उनसे तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे मिस्टर सेलेन टुडू जी के द्वारा किए गए कुछ कमाल का काम जो कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने किया है, तो वो सब आपको बताएंगे, जिसे देखकर जिसे सुनकर आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने जो मांग रखी थी बायोपिक का, जो हम ये बातें कर रहे थे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे उनकी, वो बातें आप जरूर आपके दिमाग में आएगा और आप भी सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि हमने ये मांग क्यों रखी थी। सो गाइस, बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो पूरी की पूरी हिंदी में बनने वाली है। इसका क्या रीज़न है, हमने इसका डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लेमर में लिख के रखा है, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको पूछा जाए कि आपका मनपसंद खाना क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आप अपना एकदम बड़ा सा लिस्ट तैयार कर देंगे। और हम में से या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग का फेवरेट फूड है, चाहे कुछ भी फूड हो फेवरेट, वो हम कभी भी हम मंगवा सकते हैं और खा सकते हैं, है कि नहीं? काफ़ी लोग इतने लकी हैं दुनिया में जो कि अपना फेवरेट फूड खाने का इच्छा रखते हैं और वो कभी भी कहीं भी मंगवा सकते हैं, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे भी लोग हैं जिनका एक सपना, एक इच्छा होता है कि मेरा फेवरेट फूड मुझे कब खाने को मिलेगा। मतलब उनको ये जो फेवरेट फूड उनका है, ये एक बहुत ही स्पेशल मौक़ों पर खाने को मिलता है। जी हाँ, खासकर इस लॉकडाउन में आप ज़रा सोच सकते हैं कि वैसे लोगों का क्या हालत हो गया है, जिनको बस दो वक्त की रोटी या फिर दाल चावल चाहिए खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। क्या वो कभी सोच सकते हैं कि मैं अभी अपना मनपसंद खाना खाऊँगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूँ, हमारे जो इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर हैं मिस्टर सेलेन टुडू और उनकी जो टीम है, जो ARF यानी आदिवासी रग्बी फाउंडेशन, उन्होंने जो कमाल का काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और आप उसे देखकर जरूर आपके मुंह से एक वाह वाह जरूर निकलेगा। तो गाइस चलिए, तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हमारे मिस्टर सेलेन टुडू जो कि कलकत्ता में रहते हैं, उनके जो पड़ोस में काफ़ी लोग हैं जो लोग ज़रूरतमंद है, जो कि काफ़ी अलग अलग राज्य से वहाँ काम करने आए थे और लॉकडाउन के दौरान वो लोग ना ही अपना गाँव लौट पाए हैं और वो उधर ही कहीं फंसे हुए हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं और क्या काम करें, काम के लिए भी उनके पास कोई काम नहीं बचा है। नाम है कार्तिक विश्वास, घर है संतोषपुर, यहाँ मुठिया का काम करते हैं। बाबूघाट में रहने वाले हैं, हमारा नाम राजू है, गाड़ी का काम करते हैं। हाँ, मेरा नाम तो राजू नायक है और मैं होटल में प्लेट प्लेट देता हूँ सर, मालिक तो मेरा नहीं आ रहा है। राई मुनी
धर्मतला मुनि माटनी हम लोग का गांव होता हुआ उड़ीसा बारीपदा बोतल चिंता हुआ वैसे अभी तो दुकान बंद है ना क्या करेगा दीदी एक यहाँ पर खाना आता हुआ हम लोग ले लेता हुआ। वो लोग अभी दर दर भटक रहे हैं खाने के लिए दो वक्त की रोटी के लिए। और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी से मिस्टर शरण टुडू और उनकी जो टीम है उन्होंने ये एक जिम्मेदारी उठाई है कि हमारे पड़ोस में कोई भी भूखे नहीं सोना चाहिए, सबको खाना दिलवाएंगे और दिला भी रहे हैं। तो रही बात सिंपल खाने की, तो उन्होंने जो बड़ा कदम उठाया है जरूरतमंद को, जो शरण टुडू जी ने जो एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक इतनी बड़ी खुशी दी है अपने मनपसंद खाने को चॉइस करने का कि आपको क्या पसंद है, आपको जो पसंद है वो हम आपको दिलाएंगे। तो ये जो बात है ये मैंने पहली बार देखा है अपने लाइफ में। जी हाँ, शायद किसी ने और ने ये काम किया होगा, मैं भी मैंने तो ये बात कहीं से सुनी नहीं थी और ना ही मैंने कभी देखा ऐसा। आई डोंट थिंक लाइक they have experience that they can order something they it's like you know how we go to a restaurant how we go to a hotel or something how we see list of food and then we order something it's mostly your our favorite or something new so that kind of opportunity I believe everyone deserve that like we for a new food or a new thing or the favorite food we can order and have it and especially during this time huh? I believe they all been eating the same food what we've been giving every day so there is a change and yeah so I think that's probably one of the reason I think it's a good change Mr. Shailen Tudu ji aur unki jo team hai unhone मैदान में जाकर जहाँ पर वो उनको खाना खिलाते हैं मैदान में जाकर सभी लोगों का अपना अपना जो मनपसंद खाना है उनमें रिकॉर्ड भी किया और उनको सर्व भी किया। अच्छी बात। आप क्या खाओगे? आपका मर्जी, आप जो खाएंगे। नहीं, आपका क्या मर्जी? आपका मर्जी, आप जो खाएंगे। अरे नहीं, आप बताइए। आप जो दीजिएगा खाएंगे। अच्छी बात, ठीक है। बोलना है अंडा भात, आप आज बात खाएंगे। आप क्या खाएंगे? अच्छी बात, चिकन भात, आप चिकन भात, आपका अंडा बिरयानी, गुड, आपका चिकन भात, चिकन, आपको क्या खाना अच्छा लगता है? आई मीन वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग यार, मतलब बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि आप सोच सकते हैं आप कभी भी अगर कहीं गए हों या फिर किसी की आपने मदद भी की होगी तो आपने अपने मन पसंद जैसे अगर आपके पास रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी हो आपके पास, आपने वो दिया होगा किसी को खाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ना। लेकिन यहाँ पर जो उनका पसंद का जो दिया गया है ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये इस लॉकडाउन में उनके लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं चमत्कार की तरह ही साबित हुआ है। बिल्कुल इनका शाही परिवार मेंबर है, ठीक है, आप आइए एक सेकेंड। काली दाल मांगा था किसके मेरे से? काली दाल मांगा था। So somebody out of this 200 people, somebody ordered sabudana ka khichdi with ghee. And when he asking who ordered it, everybody obviously smiling. And that guy is a little happy and I think he's a little embarrassed as well. But he got his food. Ek biryani kon manga tha? Ek biryani, anda biryani kon manga tha? Do jan manga tha? Jhoot nahi bolega bhai. Ek biryani! Manga tha to. Unki team ke member ya kafi log ka ye manna hai ki abhi tak Mr. Shailen Tudu ji ke फेस में आपको कभी भी कमजोरी,
टाइटनेस कभी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भी लंबी लाइन लगी हो, जितने भी लोग वहाँ आए हों खाने के लिए, नंबर से उनको कभी डर नहीं लगता कि कितने लोग हैं, सबका वो अपना मैनेज कर ही लेते हैं किसी भी तरह से। Yeah, even if it's 1000 difference, we'll make sure they get it, huh? So, numbers is never the thing to me. It's always about the get the job done, huh? Was inchil kai liya santal abo do ten mona re jodi abo kati chulum da madi mina a mid hor lagi abo ora re jom hor lagi jae hai len kan uni laha bon mai abo borong bhavan joma to ona me ten mentality mina ase abo adivasi ya do to ona na me ten uhir mina a je hai jom chok bon rengej do rengej ke joto hora ke ine ne lekate ke arambho hoile मीडिया। तो गाइस प्लीज आप इस वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, इसलिए हम ये हिंदी में बना रहे हैं ताकि इंडिया के हर कोने कोने तक ये बात पहुंच सके और सबको ये बात पता चले कि यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अब महान काम कर सकते हैं। ये हम बिल्कुल मानते हैं, सोनू सूद जी ने बहुत बड़ा काम किया है जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है, उनका बहुत चर्चा भी हुआ है, सब लोग जानते हैं उनको, उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन बहुत कोई ऐसे भी लोग हैं जो लोग महान काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग इतने फेमस नहीं हैं, और रियल हीरो कभी चाहते नहीं कि वो लोग कभी फेमस हों, वो अपना काम तो करेंगे चाहे वो फेमस हो या ना हो, वो तो अपना काम करेंगे किसी भी तरह से। अगर हमने उनको देखा है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें या फिर उनको शेयर करें ताकि कुछ भला हो पाए सबके लिए। सो या दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग आई गेस, आई न्यू दैट यू वोंट गेट इट राइट बिकॉज द न्यूज़ विल स्प्रेड लाइक आई डोंट नो व्हाटएवर स्मोक एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एंड वी हैव पीपल लाइक आई डोंट नो लाइक yeah like smoke as well like people everywhere so we manage pretty well and whoever has left over we getting some more food for them mm-hmm. every day is a big day to me I believe huh I mean whatever we feed veg rice chicken rice mutton rice food is food to me but obviously we have our choices and what do you call it favorite things so but I think it's all fills the stomach but yeah a little hectic because people are more excited huh? that's the only with a bigger smile more excitement and yeah volunteers are a little bit hyper so those are the only extra bit to be able to give someone a choice is nothing more than a miracle bringing smiles and bringing hope to someone else's life that's brilliant you can reach out to Tudu or Prachi the numbers given below you know their story do what you think is right video ko pe share kiya मदद चेट खतीते जहाँ सोशल मैसेज एम खतीते से आपे साला गोरो सपोर्ट एम खतीते मैं वीडियो एम ना तो मेटन की उद्देश्य को ना जे आरो हॉर्ड जुदी उनका माने जुदी बोन इनकरेजमेंट जहाँ को ले या जुदी बोन इनकरेज दड़े को ऐसे उन्हें आइडिया बोन माने शेयर दड़े या उन माने यंजो जो मुकदमे नहीं या वीडियो नहीं लेते किसी हॉर्ड उनको को जम चोट हुआ आसपास रे पांच जन दस जन जहाँ जहाँ कैपेसिटी में ना है उन्हें मेटन रीजन आर मेटन रीजन दो যে আরো যদি হর গড়ো সাপোর্ট কো হিজু আ যে কোন দিয়ে কি কামি গড়ো সে ফাইনান্সিয়াল গড়ো সে আলে সঙ্গে ভলান্টিয়ার অনে জব এমো জানা কি ওনা কো খাতি দি ওনা তো এম হইলি না अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय आप सभी को।